नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं सात मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज रविवार है फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो सायंकाल चार बज करके सैतालीस मिनट तक है और इसके पश्चात दशमी तिथि है मूल नक्षत्र है रात्रि में आठ बज करके उनसठ मिनट तक और इसके पश्चात पूर्वा साढ़ा नक्षत्र है सिद्धि योग सिद्धियोग है बात हो गई पंचांग की चंद्रमा आज धनुराश में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के छियालीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के बत्तीस मिनट तक का होगा वहीं राहुकाल शाम साढ़े चार बजे से छह बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित मुहूर्त प्रिय है राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज प्रातः सूर्योदय से लेकर रात्रि आठ बज करके उनसठ मिनट तक सर्वार्थ सिद्ध योग है इस योग का इस मुहूर्त का महत्व आप जानते हैं कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाने वाला हो जाता है आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं सो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे आज राहु और केतु से जुड़े कुछ विशेष तथ्य ज्योतिषीय सूत्र तथ्य मैं आपको दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं गृहस्तुतियों की राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है चंद्रमा धनुराशि में तो वहीं गुरु बुध और शनि ये तीन ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं सूर्य और शुक्र युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो गोचर कुंडली में एक बदलाव चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं ये चंद्रमा आपके लिए आज का दिन किस प्रकार का बनाएंगे बाकी की ग्रह स्थितियां किस प्रकार का आपको प्रभाव देंगी ये राशिफल का विषय है आगे चर्चा होगा इस पर तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया नहीं दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशि फल को देख सकते हैं प्रिय दर्शकों अभी पिछले दिनों मैंने लघु पाराशरी का एक सिद्धांत आपको बताया था कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह अगर आपस में संबंध बना लें भले ही वो पीड़ित हो तब भी वो योग कारक रहेंगे अपना प्रभाव देंगे आज एक और तथ्य आपको समझाने जा रहा हूं अब पीड़ित ग्रह किससे होंगे तो राहु और केतु से ज्योतिष शास्त्र का एक और तथ्य है कि राहु और केतु योग कारक ग्रह के साथ माफ करिएगा केंद्र और त्रिकोण के के स्वामी ग्रह के साथ युति बना लें तो योग कारक बन जाते हैं अब जरा इन दोनों सूत्रों को एक साथ समझने का प्रयत्न करिए पहला लघु पाराशरी का सिद्धांत मैंने आपको बताया कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर पीड़ित हो अर्थात पापक ग्रह से युक्त राहु केतु से युक्त हो तो दुर्योग का निर्माण होता है अब ज्योतिष शास्त्र का दूसरा सिद्धांत कहता है कि राहु और केतु केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ युति बना ले तो इनकी युति योग कारक बनेगी अब जरा इस चीज को जन्म कुंडली पर लागू करिए राहु और केतु जब भी किसी ग्रह से युति बनाएंगे तो कोई ना कोई दुरयोग बनेगा जैसे सूर्य और चंद्रमा के साथ युति बनाए तो ग्रहण योग होगा मंगल के साथ युति बनाए तो अंगारक योग होगा बुद्ध के साथ जड़ गुरु के साथ चांडाल तो वही शुक्र के साथ ये लंपट योग का निर्माण और शनि के साथ श्रापित योग का निर्माण कर देते हैं अब जरा गौर से समझिए इस चीज को ज्योतिष तो शास्त्र का तर्क कहता है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अब उदाहरण से माना जाए कि मेष लग्न की कुंडली है अब मेष लग्न की कुंडली में केंद्र के स्वामी हुए एक लग्न के स्वामी मंगल ही हुए अब ये मंगल अगर राहु के साथ युति बना करके बैठे हैं तो किस तरह किस की स्थिति बनी अंगारक योग बना मान लीजिए सूर्य के साथ युति बना करके केंद्र अथवा त्रिकोण में ही बैठे हैं तो ये ग्रहण योग बना गुरु के साथ युति बनाकर केंद्र त्रिकोण में बैठे तो चांडाल योग बना अब सवाल उठता है कि जब ज्योतिष शास्त्र है कि राहु और केतु की ये युति कारक बनेगी तो हम दुर्योग माने या योग दोनों ही मानना होगा यहां पर तर्क कहना चाहता है कि दुर्योग अपना प्रभाव देगा उदाहरणार्थ अगर सूर्य के साथ राहु ने ग्रहण योग का निर्माण किया तो निसंदेह जातक को जीवन काल में अपयस भी देखना होगा उसके सम्मान की हानि भी होगी लेकिन यह बड़ा सीधा और सरल सा तर्क है कि जहां अपमान हो रहा है वहां मान रहा होगा तभी अपमान हो रहा है अपमान किसका होता है जिसका मान, हो, जिसका मान ही नहीं होगा उसका अपमान क्या होगा देव गुरु बृहस्पति ऊंचाई के कारक हैं अब राहु गुरु के साथ युति बनाकर कार्यक्षेत्र में बाधा ऊंचाई में कमी लाना सफलता में बाधा तो सवाल उठता है कि ये सारी चीजें मिल रही होंगी कहने का तात्पर्य है कि ये दुर्योग भी अपना काम करेंगे परंतु चूंकि ये योग कारक स्थिति है अतः दुर्योग का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा और योग की स्थिति ज्यादा मजबूत होगी यानी ये योग कारक स्थिति बनेगी और प्रभाव ज्यादा बेहतर मिलेगा अर्थात राहु और गुरु की युति से चांडाल योग तो बना लेकिन यहां मूल प्रभाव गुरु भाग्य में उनके कोई कमी जातक के नहीं आने वाला गुरु भाग्य का संपूर्ण प्रभाव ही देंगे आप किसी भी कुंडली को ले लीजिए किसी भी लग्न की कुंडली को ले लीजिए अब इसी सूत्र को लागू करके वहां देखिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी राहु और केतु के साथ युति बनाकर दुर्योग का निर्माण कर तो रहे हो परंतु केंद्र और त्रिकोण में ही बैठे हो तो यह योग कारक स्थिति रहेगी यहां पर रिजल्ट श्रेष्ठ मिलेगा इसमें कहीं कोई अब जो दुर्योग है उसका मामूली प्रभाव भी जातक को देखना अवश्य पड़ेगा आशा करता हूं इस सूत्र को आपने समझ लिया होगा अब स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र अर्थात तो ताम्र पात्र जल ले लीजिए पात्र में और पूर्वाभिमुख आसन पर बैठ जाइए हाथ जोड़िए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए अब अपने गुरु का ध्यान करिए इसके बाद त्रिराचन में तीन बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन करने के पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए आसन पर जल छिड़किए और फिर एक बार हाँ बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं आप आज्ञा प्रदान करें क्षेत्र के अधिपति से मिलते ही आप दाहिने हाथ में जल ले लीजिए और बाएं हाथ से जल को ढक लीजिए अब तीन बार तीन बार बार गायत्री गायत्री मंत्र मंत्र बोलिए आपके बोलते ही यह जल अभिमंत्रित हो गया इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए अब गायत्री मंत्र के गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं इसके पश्चात अब आपको सर्वाधिक जरूरी कार्य करना है प्राणायाम रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम की विधि आप सभी जानते हैं प्राणायाम करने से एक दिव्य तेज आपके चेहरे पर आ जाता है प्राणायाम की विधि जो लोग नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं और आकर के प्राणायाम की संपूर्ण विधि देख लें अगर आप फेसबुक पर इस राशि फल को देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर ही आकर के और प्राणायाम की संपूर्ण विधि को देखिए और प्राणायाम कीजिए प्राणायाम सबके लिए बेहद जरूरी है किसी भी तरह के लंबे समय से किसी रोग से आप ग्रसित हो तो प्राणायाम करना शुरू करिए आप देखेंगे कि देखते ही देखते दवा सूट कर जाएगी और आप रोग से मुक्त हो जाएंगे तो प्राणायाम आपने कर लिया प्राणायाम करने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए इस हस्तगत जल पर श्वास छोड़िए बाई नासिका छिद्र से और मन में ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं कायिक वाचिक मानसिक वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं छोड़ते रहिए जब तक कि आप छोड़ सकते हैं जल को बिना देखे बाई और फेंक दीजिए अब हाथ धो लीजिए खड़े हो जाइए जल पात्र लेकर के भुवन भास्कर को अर्घ प्रदान करना है मंत्र मंत्र बोलिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणी श्री सूर्य अथवा गायत्री मंत्र। तीन प्रातः काल भुवन भास्कर को तीन अर्घ्य प्रदान किया जाता है तीन अर्घ्य प्रदान करें प्रातः काल का अर्घ थोड़ा झुक कर दिया जाता है सो थोड़ा झुक करके एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके तीन बार अर्घ्य प्रदान करने के पश्चात पुनः आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का आप जब करिए ग्यारह इक्कीस इक्यावन एक सौ आठ एक सौ आठ सर्वाधिक श्रेष्ठ है अपने समय के अनुसार जितना आप कर सकते हैं गायत्री मंत्र का जब कर लीजिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी तो भुवन भास्कर की आराधना से अगर अभी तक आप वंचित हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि बाकी आप चाहे कुछ और ना करें परंतु भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करें चलते हैं राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम भाव में संचरण कर रहे हैं केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का यह संचरण हो रहा है अब देखा जाए तो राशिपति का राशि से द्वितीय भाव में संचरण करना मंगल राहु की युति वैसे तो दिन ठीक है छुट्टी का दिन है सो आनंद से ही बीतने वाला है हो सकता है केतु का कार्य है बदलाव तो आपके मन में आज बदलाव करने का विचार उत्पन्न होगा हो सकता है कुछ टेंशन हो कुछ परेशानी हो तो बदलाव करेंगे तो टेंशन से मुक्ति मिलेगी वहीं घर में या कार्यस्थल में कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आप करिए कारोबार के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी यानी मिला जुला करके आज बदलाव का दिन है और अच्छा बदलाव होने वाला है जीवन में जो भी बदलाव होगा अच्छा ही होगा नए विचार आपके मन में आएंगे नई योजनाएं आज बनने वाली हैं और मेहनत का आपको पूरा पूरा फायदा मिलने वाला है है तो छुट्टी का दिन सो आनंद के साथ बिताइए और घर के जो जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए कहीं भी रहिए जिद्द से बचिए अपनी बात मनवाने के लिए जिद्द मत करिए कोई पुरानी शत्रुता उसे भूलने की कोशिश करिए किसी बात पर अगर गुस्सा है जीवन साथी से परिवार के किसी सदस्य से उसे भूल आगे बढ़ने में ही भलाई है किसी मित्र के साथ मनमुटाव या मतभेद है तो आप बातचीत करके खुद ही से मनमुटाव दूर करने का प्रयत्न करिए और कहीं पैसा निवेश करने वाले हैं तो भी इस पर विचार करिए आने वाले दिनों में पूरी तरह से विचार करके पैसा लगाइएगा प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और जो लोग विवाहित हैं उन्हें जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन छुट्टी का है परंतु आप मेहनत करिए आलस्य से बचिए केवल और केवल पढ़ाई में लगाइए समय और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं लकी अंक आपके लिए आज सात दिखाई पड़ रहा है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम आज का उपाय तो आप जानते ही हैं भुवन भास्कर को वर्ग प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी वृषभ की बात कर लेते हैं वृषभ राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में संचरण कर रहे हैं केतु के नक्षत्र में चंद्रमा सोच में बदलाव लाने का काम करेंगे हालांकि आपको अपना व्यवहार सकारात्मक रखना होगा झूठ से झूठ बोलने से बचना है क्रोध करने से बचना है और दूसरों के भरोसे नहीं जाना दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत करिएगा आज जो भी मिलेगा खुद के भरोसे प्रगति करना चाहते हैं सफलता चाहते हैं तो खुद के भरोसे आगे बढ़िए यात्रा अगर करने की सोच रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं यात्रा आपके लिए बढ़िया रहने वाली है आज छुट्टी के बावजूद हो सकता है किसी अधिकारी से आपकी फोन पर लंबी वार्ता हो व्यापारी है तो व्यापारिक सौदे में अति गंभीर रहना आज आपके लिए बहुत जरूरी है और एक और बात बता दूं हर मामले की गहराई में जाना बेहद जरूरी है ज्यादातर सोचे हुए काम आपके पूर्ण हो जाएंगे बस आपको कोशिश करते रहनी है और किसी भी मामले में जिद्द करने की आवश्यकता नहीं जितना हो सके शांति के साथ क्योंकि आज छुट्टी के दिन को भी आप भागम भाग वाला दिन बना देंगे तो फिर छुट्टी का मतलब क्या चाहते हैं कि आपकी परेशानियां कम कम हो हो आपका टेंशन आपकी आपके दुख कम तो अपनी परेशानियां अपने से, से शेयर करिए दोस्तों से, से शेयर करिए हालांकि मैं बता दूं कि दिन थोड़ा थकाने वाला है आपको तनाव देगा परेशानी थोड़ी होगी व्यापारी हैं तो व्यापार में भी परेशानी रहने वाली है मन में तरह तरह के विचार चलेंगे कुछ नया प्रारंभ करने की सोच रहे हैं बिल्कुल नहीं करना जीवन साथी का सहयोग आज आपको मिलता रहेगा ये आपके लिए अच्छा अच्छी खबर है और प्रेमी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए प्रेमी के साथ मतभेद या मन भेद है उसे दूर करने का प्रयत्न करे विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में थोड़ी परेशानी होगी हो सकता है मन आज आपका भटके मन न लगे और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहना चाहिए विशेषकर हिंसक पशुओं से भी आज सतर्क रहिएगा लकी अंक आपके लिए साथ लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है भुवन भास्कर को वर्ग प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी और बात मिथुन राशि की कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं तो वहीं राशिपति राशि से अष्टम में देखा जाए तो राशि से भाग्य भाव में सूर्य और शुक्र की युति का गोचर बढ़िया है केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आपको कोशिश करने के लिए उकसाएंगे और अगर आपने हिम्मत बांध करके प्रयास किया तो आज छुट्टी का दिन भी आपका बेहतर बेहतरीन बन जाएगा व्यापारी है तो व्यापार में किसी भी तरह के विवाद के निपटारे के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है फायदा मिलेगा इसका आप निपटारा करिए और व्यापारियों को एक और बात बता दूं कार्यस्थल पर हैं अनुकूल रहने वाला है वातावरण घर में रहने वाले हैं वातावरण बहुत अनुकूल कोई बाधा है कोई समस्या है वो खुद ब खुद सुलझ जाएगी और मन में जो भी नई योजना है या महत्वपूर्ण योजना है उसके लिए तैयारी शुरू करने का दिन है आज व्यापारियों को एक बात और बताना चाहता हूं आज लापरवाही से भयंकर नुकसान होगा सो एकाग्र होकर के लक्ष्य पर ध्यान करके चाहे आज दो घंटे के लिए ही काम करिए परंतु एकाग्र होकर के काम करिए मेहनत आपकी सफल तभी होगी जब आप एकाग्र होकर के काम करेंगे गलत तरीका शॉर्टकट बिल्कुल यूज नहीं करना कोई गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं करना खुद के लिए किसी और के लिए भूलकर भी नहीं नहीं तो नुकसान होगा पैसों की स्थिति को लेकर के चिंतित हैं सुधार होने वाला है और वहीं रिलेशन में समस्या उत्पन्न हो गई है जैसे भाई बहनों के साथ या जीवन साथी के साथ प्रेमी के साथ उसे सुधारने का आपको मौका मिलेगा दिन बढ़िया है जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग और प्यार मिलेगा तो बात विद्यार्थियों की कर ली जाए मेहनत से मत चुकी मेहनत का श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति होगी आपके साथ साथ जीवन साथी की सेहत का भी ख्याल रखिएगा जीवन साथी की सेहत में परेशानी रहेगी लकी अंक आपके लिए दो है और लकी कलर हल्का पीला भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी और बात कर्क राशि की कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सष्टम में केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं शुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है देखा जाए तो राशि से मंगल का संचरण लाभ भाव में हो रहा है कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं अभी ठहरिए है। जीवन में कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं तैयारी करिए है, परंतु बदलाव अभी नहीं करनी है सफलता चाहते हैं तो कोशिश करिए परंतु बड़ा कदम नहीं उठाना जीवन से अनचाही स्थितियों को खत्म करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी अभी शुरू करिए कोशिश करनी है परंतु कदम अभी उठाना नहीं उसकी तैयारी करना है दोस्तों से आसपास के लोगों से या जिससे भी आपको चाहिए मदद सहयोग वो मिलेगा परंतु मैं दिन को बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं मैं आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी देख रहा हूं और हर कार्य में बाधा भी कड़ी मेहनत के बाद भी वो सफलता हासिल होते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है आप जिसके हकदार हैं सो हो सकता है मन मारकर आज आप आलस्य भी कर जाएंगे मेरी राय है कि सफलता अपनी जगह है प्रयत्न करना आपके हाथ में सो प्रयत्न करिए कारोबार को अच्छा रखना चाहते हैं तो प्रयत्न करिए विद्यार्थी हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल मत लीजिए जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता रहेगी कहीं कोई दिक्कत नहीं परंतु प्रेमी के साथ तनाव उत्पन्न होने वाला है प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है तो बात अगर हम विद्यार्थी वर्ग की करें तो खूब मेहनत करिए परंतु जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल मत करिए और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज कफ जन्य रोगों की शिकायत हो सकती है सावधान रहिए परेशानी होगी या कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है या रोगों का भ्रम हो सकता है अपने खान पान पर ध्यान दीजिए समय पर रह करके सब कुछ करिए भुवन भास्कर की आराधना करिए देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा लकी अंक आपके लिए सात लकी कलर आपके लिए आज पिंक है तो पुनः बता देता हूं प्राणायाम करना है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है गायत्री मंत्र का जप करना है सप्ताह भर की ऊर्जा इससे आपको मिल जाएगी और बात राशि की कर लेते हैं राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण पंचम में बढ़िया रहने वाला है यह चंद्रमा आपको तरह तरह की योजना दिखाने वाले हैं मिला जुला करके देखा जाए तो राशि से दशम में मंगल और राहु की युति ये युति आपके लिए लाभप्रद स्तुति बनाएगी और आपके काम पूरे होने वाले हैं फायदा आपको मिलेगा वैसे तो छुट्टी का दिन लेकिन यह छुट्टी भी आपके लिए फायदेमंद ही बीतने वाली है कुछ अच्छे मौके आपके प्रयत्नों से आपको प्राप्त होंगे एकाग्रता बढ़ाने के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं मानसिक एकाग्रता तो आज विशेष रूप से प्रयत्न करिए समझ लीजिए कि भटकाव कम हो जाएगा जितना हो सके समय अगर आपके पास है तो ध्यान करिए प्राणायाम करिए फिर देखिए मानसिक भटकाव कम होगा व्यापारी हैं और कारोबार को बढ़ाने की कोशिश में है सफलता मिलेगी विशेषकर अगर आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड व्यापार करते हैं जबरदस्त संभावना है सफलता की स्थिति बन रही है और पैसों को लेकर के जूझ रहे थे समस्या का सामना कर रहे थे तो आज समस्या बहुत हद तक सुलझ जाएगी छुट्टी का दिन है परंतु आपके लिए छुट्टी नहीं दिखाई पड़ती फायदा है आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है और प्रेमी से आज आपकी मुलाकात और बातचीत होने वाली है विशेषकर पुराने प्रेमी से मुलाकात या बातचीत की संभावना है प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है जीवन साथी का उग्र रुख या उग्र रवैया आपको थोड़ा परेशान करेगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से थोड़ा परिणाम आपको कम मिलने वाला है चिंतित होने की आवश्यकता नहीं घबराइए मत अपना प्रयत्न निरंतर जारी रखिए लकी अंक आपके लिए तीन लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है भुवन भास्कर को प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा प्रयोग से आपको प्राप्त होगी बात कन्या राशि की कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं छुट्टी का दिन और चंद्रमा चतुर्थ भाव में हालांकि ये मूल नक्षत्र में है केतु के नक्षत्र में परंतु परिवार के साथ बातचीत करने से परिवार का साथ देने से और परिवार के साथ रहने से आप यूं समझ लीजिए कि आपकी ज्यादातर समस्याएं हल हो जाएंगी समस्या का समाधान निकल जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको समय कहां व्यतीत करना है परिवार के साथ कोशिश करते रहनी है और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद आपको मिलेगी किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए अगर भाग दौड़ कर रहे हैं या सामाजिक कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं तो सावधानी जरूरी है साथ ही साथ घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग की सेहत का भी ख्याल रखिएगा वहीं घर में अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए और बच्चों की शिक्षा का भी एक बार जरा देख लीजिएगा उनकी पढ़ाई में कमी आ रही है बदलाव का दिन केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा बदलाव के लिए उकसाएंगे अतः कोई बदलाव करना चाहते हैं जीवन काल में तो बदलाव अवश्य करिए मिला जुला करके देखा जाए तो दिन हर प्रकार से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है कहीं कोई चिंता नहीं है और परिवार को लेकर के अगर चिंता है भी तो वो चिंता दूर हो जाएगी प्रेम संबंध में अगर गलत फहमी उत्पन्न हो गई थी तो सलाह यही देता हूं कि प्रेमी से मिलकर के बातचीत करिए प्रेमी की बात पर भरोसा करिए सब कुछ ठीक हो जाएगा जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी घर का माहौल बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है बस नए सिरे से आपको मेहनत करनी चाहिए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ दर्द से परेशान रहते हैं या किसी और तरह की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी विशेषकर कोई पुराना रोग तो उसको लेकर के सावधान रहेगा क्योंकि पुराने रोग आपको फिर से परेशान करेंगे लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है भुवन भास्कर वर्ग प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात तुला की कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के लिए दिन फायदेमंद बना हुआ है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं केतु के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आपको फायदा देते दिखाई पड़ रहे हैं नजरियों में नजरिए में आपके बदलाव होगा दृष्टिकोण आपका सकारात्मक होने वाला है बस बचना है किससे विवाद से दूसरों की बात में आने से बचना है व्यर्थ के खर्च से कारोबारी हैं तो आज कारोबार पर आपका पूरा नियंत्रण रहेगा दिन बढ़िया है है तो छुट्टी का दिन सो जितने भी देर काम करते हैं जी भर के काम करिए मन लगा करके काम करिए आसपास के लोगों का भी साथ मिलेगा और पिछले कुछ दिनों से जो समस्याएं चली आ रही थी यूं समझ लीजिए वो समस्या आज या तो खुद ब खुद दूर हो जाए या आपके प्रयत्न आपकी हर समस्या को आपसे दूर करेंगे मिला जुला करके दिन ठीक है जो भी काम आपको लेना है हाथ में आप वो काम ले सकते हैं पिछले कुछ दिनों से जो काम आपके छूटे छूट गए थे बाकी रह गए थे उन कामों को आज आप पूरा करिए सोच समझ करके बस निर्णय लीजिए और काम शुरू करिए सफलता मिलेगा किसी भी कार्य में अधिक समय नहीं लगाना क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो अपने आप को भी समय दीजिए एक और बात इस बात का भी ख्याल रखना है कि किसी के साथ मतभेद न हो विपरीत के प्रति आज आकर्षण थोड़ा ज्यादा रहेगा तो वही विद्यार्थियों की बात अगर करी जाए तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है आज निराशा की स्थिति दिखाई पड़ रही है और सेहत के मामले में कफ जन्य रोगों से आपको परेशान होना पड़ेगा तो सावधान रहेगा लकी अंक आपके लिए आज सात है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है भुवन भास्कर को प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी और बात वृश्चिक तो राशि कर लेते हैं आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं केतु के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा कुछ अच्छी घटनाएं घटित कराने वाले हैं करियर घर परिवार यूं समझ लीजिए कि हर क्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव होने वाला है बदलाव का काम कराते हैं केतु बदलाव कराएंगे बस जोश में तो रहना है परंतु होश नहीं गंवाना तयस में नहीं आना शांति के साथ जोश बनाए रखिए वाणी पर नियंत्रण रखिए काम का अगर बोझ ज्यादा है और इसके चलते तनाव हो रहा है तो काम को बांट दीजिए कुछ काम खुद करिए कुछ जीवन साथी को जो आपके शुभ चिंतक है उनको काम दीजिए बात बात पर झुंझलाने से गुस्सा करने से क्रोध करने से काम भी बिगड़ेगा और सफलता भी नहीं मिलेगी व्यापारी हैं और व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो इसमें आप सफल रहेंगे जीवन में जो भी कठिन स्थिति है समझ लीजिए वो जल्द ही सुलझने वाली है बस आपको धैर्य बना करके रखना है शांत रहना है संयम के साथ रहना है तनाव को अपने आप से दूर रखना है फिर देखिए बहुत बढ़िया है दिन यूं समझ लीजिए हर मामले में आप सफल होंगे किसी की बुराई नहीं करनी है अगर किसी से कुछ सीख सकते हैं तो सीखिए परंतु किसी की बुराई मत करिए धनलाभ के भी योग बन रहे हैं कहीं फंसा हुआ था पैसा रुका हुआ था वो मिलने वाला है दाम्पत्य जीवन सुखमय प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है अनुकूल परिणाम देने वाला है दिन प्रेमियों के लिए और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी ठीक दिखाई पड़ रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है हर तरह से दिन ठीक है बस मांसाहार और मद्यपान से आज दूरी रखिएगा लकी अंक आपके लिए तीन और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात धनु की कर लेते हैं धनुराश के जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा आज आपकी ही राशि पर संचरण कर रहे हैं राशि से द्वितीय भाव में शनि गुरु और बुद्ध केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज छुट्टी को आनंद से बिताने वाले हैं यानी आपका दिन बढ़िया बीतेगा किसी समस्या से जूझ रहे थे सामना कर रहे थे समस्या खुद ब खुद आपको छोड़कर जाने वाली है आपको बस अपने जगह पर लगे रहना है कमी नहीं करनी है किसी भी मामले में और किसी परेशानी से जूझ रहे हैं किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो तो समस्या की की गहराई में जाइए किसी भी काम को करने की कोशिश आप करते हैं तो समझ लीजिए कि आप उस कार्य में सफल होंगे समस्या को खत्म करने की कोशिश करते हैं तो समस्या खत्म होगी कारोबारी हैं तो कारोबार में आज व्यस्तता बनी रहेगी किसी की मदद की आपको आवश्यकता है तो मदद आपको मिलेगी हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से आज आपको सलाह प्राप्त हो जाए जिससे आपकी बहुत सारी परेशानी दूर हो जाए यानी मिला जुला करके हर तरह से दिन बढ़िया है और जरूरी मामले में पार्टनर की राय लीजिए पार्टनर की राय से आपको सफलता मिलेगी दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय घर का वातावरण खुशियों भरा और प्रेम संबंध में विवाद की अगर स्थिति है भी तो वह बहुत सामान्य है यानी नोक झोंक होगी जिसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं और विद्यार्थियों के लिए सुखद और सफलतादायक है दिन हर प्रकार से बढ़िया है दिन सेहत के मामले में सावधान रहना है क्योंकि पुराने रोग आपको फिर से परेशान कर सकते हैं सेहत ठीक नहीं दिखाई पड़ता आज सूर्योदय के बाद तक अगर सोने की बुरी आदत है रविवार को तो बिल्कुल आदत दूर करिए लकी लकी अंक चार, लकी कलर आपके लिए आज काला है भास्कर को प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी और मकर की बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों को एकाग्र रहना बेहद जरूरी है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में संचरण कर रहे हैं केतु के नक्षत्र में तो वहीं शनि गुरु और बुध आपकी राशि पर शशमहा पुरुष योग का लाभ मिल रहा है तो छुट्टी का दिन परंतु बहुत से काम आपके पूर्ण होने वाले हैं जो पिछले दिनों बाकी रह गए थे व्यापार से संबंधित चिंता है तो अब चिंतित होने की जरूरत नहीं है चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है चिंता खुद ब खुद दूर हो जाएगी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा और बहुत से काम आपके आसानी से पूर्ण हो जाएंगे आप थोड़े अपने आप थोड़ा अपने आप को समय दीजिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए तो वहीं गृहस्थी को लेकर के कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होने वाली है यात्रा से बचना चाहिए हालांकि मैं बता दूं कि हर कार्य में थोड़ी बाधा आएगी लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं बस आप आगे बढ़ते चले जाइए काम बढ़े बनेगा व्यय करने से बचिए व्यर्थ के व्यय से बचिए खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो सोच समझ करके करिए क्योंकि अति हो सकती है और बिना बिचारे कुछ खरीदने से आपका नुकसान होगा निजी संबंध में चाहे वो जीवन साथी के साथ हो प्रेमी के साथ हो संतान के साथ हो अगर कोई असंतोष या गलत फहमी की स्थिति है उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए जीवन साथी के साथ अगर व्यवहार में कहीं कोई कमी है आपके तरफ से उसे दूर करिए मतभेद सुलझ जाएगा विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और तब सफलता जाकर के मिलेगी मेहनत आज ज्यादा होगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा मौसम से संबंधित बीमारी तो वहीं पुराना कोई रोग या नींद की कमी आपको परेशान करने वाली विशेषकर डिप्रेशन के रोगी हैं तो आप सतर्क रहिएगा लकी अंक आपके लिए आज नौ लकी कलर के शरिया भुवन भास्कर को प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी और बात कुंभ राशि की कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है कोई उलझन कोई समस्या परेशानी जिससे आप जूझ रहे थे समझ लीजिए अब वो परेशानी आपको छोड़कर जा रही है उलझने सुलझने वाली है कोई नुकसान जो कि अवश्यम भावी था खुद ब खुद वो नुकसान की स्थिति टलने वाली है विशेष धन कमाने का अवसर प्राप्त होने वाला है बस आपको अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बना करके चलना है और दिन का भरपूर आनंद उठाइए छुट्टी का दिन सो आनंद से बिताइए समस्याएं सुलझती चली जाएंगी दिन भर फायदे के लिए जो आप जुगाड़ लगाते हैं तो उसका फायदा आपको मिलेगा ही और आने वाले दिनों में कहीं विशेष नि, निवेश करने की योजना बना रहे हैं बनाइए कोई कदम उठाना चाहते हैं बड़ा कदम जरूर उठाइए उसका आपको फायदा मिलेगा दिन बदलाव का है सो सप्ताह भर कैसे क्या करना है इसका निर्णय आज लीजिए किसी न किसी बात की खुशी रहेगी दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा और व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदे की स्थिति बनी रहने वाली है प्रेम के क्षेत्र में जरूर थोड़ा तनाव उत्पन्न होगा हालांकि दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए बेहद खास बहुत बढ़िया है दिन आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट संबंधित परेशानी होने वाली है भोजन का ख्याल रखिए बाहर का भोजन बिल्कुल मत करिएगा लकी अंक आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी और बात मीन राशि की कर लेते हैं मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दसम भाव में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा मूल नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में बुध गुरु और शनि आपकी राशि से लाभ भाव में छुट्टी का दिन लेकिन बढ़िया बीतने वाला है घर गृहस्थी के को लेकर के कोई चिंता कोई परेशानी वो दूर होने वाली है कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं या घर में कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं तो मेहनत करिए या बदलाव के लिए प्रयत्न करिए काम बनने वाला है आज का दिन कुछ विशेष है आपके लिए क्यों क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण मुलाकातें होने वाली हैं कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात मीटिंग होने वाली है जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदेमंद सौदे होने वाले हैं वहीं आप नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो किसी ऐसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से आपकी बातचीत या मुलाकात होगी जो कि आने वाले दिनों में आपको विशेष फायदे की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होगी खर्च से बचना है और हर मामले में कोई भी कदम उठाना चाहते हैं तो किसी अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह ले लीजिए या किसी की सलाह लेकर के कदम उठाइए दिन बढ़िया बीतेगा दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी दिन बढ़िया क्योंकि विवाह का प्रस्ताव मिलेगा प्रेम के क्षेत्र में सफलता प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी होगी अच्छी सफलता के लिए सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत हो सकती है लकी अंक आपके लिए आज दो लकी कलर आपके लिए आज मैरून है भुवन भास्कर क्वर्ग प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी तो प्रिय दर्शकों यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार